हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हो? तो मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ये वी गार्ड का गीजर है, देख सकती हो। तो इसका तो डिटेल्स मैं दिखा रही हूँ, अभी देख सकते हो। तो ये 5 स्टार का है और 6 लीटर का है, देख सकती हो। कैपेसिटी जो है तो 6 लीटर का, और कॉयल जो है 2000 वाट का है। इसका कॉयल ख़राब हो गई, वो पानी जब आता है इससे कारण, जब रहता है तो पानी में हाथ दोगे तो शॉर्ट लगता है, ठीक है। देखिए इसका कॉयल जो है थोड़ा अलग सा है, देख सकते हो। पुराना ये नया वाला कॉयल है, मैं लगाऊंगा इसको, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से, मैं पहले से कॉइल को तो खोल के रखा था, तो मैं जिस तरह खोलूँगा, जिस तरह लगाऊँगा, उस तरह से ही खोलेगा उसका जो, तो ठीक है। तो इस तरह से खोलना है, और जो एल जो है कॉइल का, जो एल टाइप का, वो नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। और जो टीओपी जो है वो ऊपर की साइड रहेगा, ठीक है, क्योंकि नहीं तो पानी कम होगा तो कॉइल डुबक नहीं रहेगा, तो इसीलिए उसको नीचे की तरफ रखना होगा, और ऑटो कट भी नहीं होगा, और कॉइल जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसीलिए इसको इस तरह से रखना होगा, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर इसको ढक्कन लगाना होता है, इसका जो है इस तरह से ठीक तरह से मैचिंग कर लेना है। तो मेरा जो YouTube चैनल है गिरी इलेक्ट्रिकल, प्लीज़ आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ठीक है। इस तरह से घुसा देना है। घुसने के बाद इसके ऊपर नट बोल्ट जो है, ये जो नट बोल्ट है ये स्टील का है, ठीक है। तो देख सकती हो, तो मैं हाथ में लेकर उसको नट बोल्ट ले लेता हूँ। देखिए ये स्टील का नट बोल्ट है, उसका वाशर है, और इसको पहले कोई काम किया था तो उसका वाशर जो है कम है, ठीक है। तो जितना वाशर है उतना ही मैं इसमें डाल देता हूँ इस तरह से। तो डालने के बाद इस तरह से टाइट कर लेना है सभी को, हाथ की मदद से जितना हाथ में होगा उतना जल्दी टाइट कर देना है। धीरे धीरे से आप लोगों को भी इस तरह से टाइट कर देना है। तो गीजी सर्विसिंग जो होता है, इसके अंदर बहुत आयरन वगैरह जम जाता है, तो उसको पहले क्लीन करना होता है। जो टैंक होता है, जब जहाँ जल रहता है, ठीक है, स्ट्रे रहता है, तो उसमें बहुत कॉयल का जो हीट होता है वो आयरन रहता है, तो आयरन जम जाता है, और आयरन की प्रॉब्लम से ही ज़्यादा कॉयल जल जाता है। तो ये जो कॉइल बचाने के लिए आप लोग 1 साल 2 साल के अंदर एक बार से सर्विसिंग कर लेना चाहिए, ठीक है। तो कॉइल अच्छा रहेगा, बहुत दिन चलेगा, और पानी ये अंदर से ही रहेगा तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कॉइल जल जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा फाइबर के हाथों की मदद से थोड़ा सा ये कर लेना है, हथौड़ी की मदद से, हैमर से, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर देके इसको टाइट कर लेना है, ज़्यादा मत देना क्योंकि ये टूट जाएगा। तो इस तरह से आप लोग भी काम कीजिए, कोई दिक्कत भी नहीं होगा, और इजीली एक गीजर इस तरह से आप लोग भी कनेक्शन कर लेना। वो तो पहले एक बात बता देता हूँ, कैसा कनेक्शन है, आप लोग एक छवि खींच के और कनेक्शन कहाँ से कहाँ है वो आप लोग ड्राइंग करके रखना, क्योंकि ये थोड़ा अलग सा कनेक्शन है अभी जो नया नया मॉडल का आता है, ठीक है। तो मैं भी इसको, मैं पहले चेक करके ही खोला था, तो मैं तो मेरे दिमाग में था, तो इस तरह से मैं कनेक्शन कर दिया हूँ, तो देख सकती हो। तो और ये जो है ब्लैक कलर का वायर से, ये थर्मोस्टेट है, ये इसको कॉइल को अप ऑन करता है, काट आउट काट करता है, जब ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उसको काट आउट कर देता है, ठीक है। तो मीडियम हाई लो में काट कर देता है, ठीक है, ये सेंस करके उसको काट कर देता है, ओके। इसके बाद इसको
जो है जो फाइबर का जो ढक्कन है उसके ऊपर था इस तरह से, ठीक है। तो इसको इस तरह से लगा देना है, तो इसका लॉक है देख सकती हो, और इसका जो वायर वगैरह जो है इसको ठीक से सेव कर लेना है, ठीक है, नहीं तो इस तरह से नहीं बैठेगा, ठीक है। देख सकती हो ठीक से नहीं बैठ रहा है, थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो पहले इसका जो वायर जो है इसको थोड़ा सा साइज करके इसको बैठा देना है, ठीक है। तो इस तरह से बैठा देना है, अंदर की तरफ घुसा देना है, ठीक है। तो उसके बाद इसका लॉक में थोड़ा सा हल्का सा धक्का मार के, ठीक है, उसका लॉक में लगा देना है, ठीक है। और नीचे एक स्क्रू है, मैं दिखाता हूँ वो स्क्रू, देखिए इस स्क्रू की मदद से नीचे एक लगा देना है। इस तरह से लगाने के बाद ये ठीक ठाक बैठ जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है। ये स्विच में मीडियम हाई लो ऑफ ऑन है, और इसको मैं सीरीज में चेक कर लेता हूँ अभी, ठीक ठाक है क्या नहीं है, कनेक्शन वगैरह सब कुछ तो ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ करूँगा तो कनेक्शन ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देख लेता हूँ। हाँ अभी ऑफ हो रही है, ठीक है। तो अर्थ बॉडी अर्थ को भी चेक कर लिया, बॉडी अर्थिंग भी काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब कुछ मैं चेक करके इसका कंप्लीट कर दिया हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। तो ये तो मैं थोड़ा वीडियो जो है वो क्या बोलता है प्ले करके करना भूल गया था, इसीलिए पूरा वीडियो मैं नहीं दिखा पाया। तो थैंक यू दोस्तों, टाटा बाय बाय।